हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यूज़ लाइव 24। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में एक नौकरी का नोटिफिकेशन लेके आया हूँ जो आसाम गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आया है। फ्रेंड्स, आज का जो नौकरी आया है वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए आया है, जिसके लिए 4/24 यानी कि ड्राइवर वैकेंसी चाहिए गुवाहाटी हाईकोर्ट के लिए। सो फ्रेंड्स, देखिए मैं इसके बारे में पूरे डिटेल्स बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप। आप लोग बिना स्किप किए पूरे वीडियो देखिए तो आप लोगों को समझ में आएगा और आप लोगों का अप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे दिया गया है गुवाहाटी हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2022। इसका जो पोस्ट आया है, पोस्ट का नाम है 4/24 यानी कि ड्राइवर पोस्ट है। इनके लिए पोस्ट आया है 4 पोस्ट। इसका सैलरी दिया गया है स्केल ऑफ पे पेमेंट 2 रुपीज़ 14,000 से लेकर 60,500 तक इसका सैलरी होगा और इसके साथ ग्रेड पे होगा 5,200 प्लस अदर अलाउंसेस एस एडमिसिबल अंडर द रूल्स। रूल्स के तहत जिस तरह के अदर अलाउंसेस दिया जाता है वहाँ पे भी ये लागू है। इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया है। सबसे पहला दिया गया है एज लिमिट, अनरिजर्व के लिए 40 ईयर्स, OBC MOBC के लिए 43 ईयर्स, SC के लिए 45 ईयर्स, ST PN ST H के लिए 45 ईयर्स एंड PWD के लिए 50 ईयर्स एज है। इसके बाद दिया गया है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ए कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड रजिस्ट्रेशन नंबर और प्रूफ ऑफ रेसिडेंसी एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज फॉर द स्टेट ऑफ असम। असम स्टेट का जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज ऑफिस है उस ऑफिस की तरफ से एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज सर्टिफिकेट होना चाहिए और जो सर्टिफिकेट है वो सर्टिफिकेट वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए और वैलिड एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इसके बाद दिया गया एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड मेट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट एग्जाम फ्रॉम ए सेंट्रल और स्टेट और इक्विवेलेंट बोर्ड। यहाँ पे कहा गया है आप लोगों का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए मेट्रिकुलेशन यानी कि मैट्रिक पास, HS LC पास होना चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से हो या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से हो मैट्रिक पास होना चाहिए। अगर मैट्रिक पास नहीं हो तो इसका समता अगर पास हो तो वो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दिया गया है ड्राइविंग लाइसेंस, द कैंडिडेट मस्ट पोजेस ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। आप लोगों के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। इसके लिए एप्लीकेशन फीस दिया गया है SC ST के लिए 150 रुपीज़, अदर्स के लिए 300 रुपीज़ और PWD के लिए कोई फीस नहीं लगेगा। इसके बाद दिया गया है हाउ टू अप्लाई फॉर गुवाहाटी हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट। आप लोग इसके लिए किस तरह की अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोगों का जो गुवाहाटी हाईकोर्ट का ऑफिशियल लिंक है उस लिंक में आप लोगों को जाना होगा और इसके बाद आप लोगों को वहाँ पे एक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का बटन मिलेगा, वहाँ पे आप लोगों को क्लिक करना होगा और इसके बाद आप लोगों को सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा। वह रजिस्ट्रेशन फॉर्म आप लोगों को फिलअप करके आप लोगों को वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और इसके बाद आप लोगों को फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का जो बटन है वहाँ पे क्लिक करना होगा और आप लोगों का जो ईमेल आईडी पासवर्ड देके आप लोगों का जो लिंक है उस लिंक में लॉगिन करना होगा और इसके बाद आप लोगों को सामने एक फॉर्म आएगा, जो फॉर्म गुवाहाटी हाईकोर्ट का फॉर्म है वह फॉर्म आएगा। उस फॉर्म में आप लोगों का पर्सनल और आप लोगों का एजुकेशनल डिटेल्स भरना होगा और इसके बाद आप लोगों को जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है आप लोगों का जो डॉक्यूमेंट्स मांगा गया है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को वहाँ पे अपलोड करना होगा और इसके बाद आप लोगों का जो एग्जामिनेशन फ़ी दिया गया है वो फ़ी आप लोगों को पे करना होगा और आखिर में आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट करना होगा तो आप लोगों का एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा और इसके बाद आप लोगों का जो एप्लीकेशन है सबमिट होने के बाद आप लोगों का एप्लीकेशन प्रिंट आउट करके रख देना क्योंकि ये फर्दर आप लोगों का काम आएगा। इसके बाद दिया गया है इम्पोर्टेंट डेट्स ऑफ गुवाहाटी हाईकोर्ट रिक्रूटमेंट 2022। जो इम्पोर्टेंट डेट दिया गया है, स्टार्टिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन 23/11/2022 यानी कि नवंबर 23 से लेके आप लोगों का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और इसका लास्ट डेट है 7/12/2022 यानी कि दिसंबर 7 तारीख तक आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट फॉर पेमेंट ऑफ फीस 12/12/2022 टिल बैंक ट्रांजैक्शन आवर्स। यहाँ पे कहा गया आप लोगों का जो फीस पेमेंट करने का जो लास्ट डेट है वो
दिसंबर 12 तारीख तक आप लोगों का इसके लिए फी पे कर सकते हैं। इसका लास्ट डेट है, फॉर्म सबमिट करने का लास्ट डेट 7 तारीख है और आप लोगों का फीस पेमेंट करने का डेट है 12 तारीख। आप लोग 12 तारीख तक आप लोगों का फीस पेमेंट कर सकते हैं। जो बैंक आवर्स है, बैंक आवर्स जब बैंक खुला रहेगा तब तक, जब तक बैंक खुला रहेगा तब तक आप लोग इसके लिए फीस पेमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका ऑफिशियल जो लिंक है वो लिंक दे दूंगा। आप लोग जिस डेट में उसका एप्लीकेशन स्टार्ट होगा उस डेट से आप लोगों का इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना, और अगर इस चैनल पे नया हो तो सब्सक्राइब करके रख देना, क्योंकि मैं इस तरह की और भी वीडियो लेके आऊँगा आप लोगों के लिए। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।